हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने 500 ml दूध लिया है। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लें, और दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और कटोरी में थोड़ा सा दूध और लिया है, इसमें हम कस्टर्ड मिक्स कर देते हैं। ये मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। आप ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो आप 5-6 चम्मच डालें। तो ये मिक्स कर लिया है और अब हम दूध को देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो मैंने ये 2 चम्मच के लगभग चीनी डाल दी है। आप मीठा अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसमें कस्टर्ड डाल देते हैं जो हमने मिक्स किया था, और ये थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, सारा एक बार में नहीं डालना है। चलाते रहें और डालते जाएँ, इस तरीके से इसे मिक्स कर दें। ये देखिए, ये मैं कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। एक बार डालने से इसमें गांठें बन जाती हैं और फिर ये टेस्टी नहीं बनता है। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे मिक्स करते रहें, धीरे धीरे चलाते रहें, और इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो ये मैंने कस्टर्ड डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और दूध को धीरे धीरे चलाते रहें, ये आप देख सकते हैं दूध उबलने लगा है, और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो गाइस, आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हेल्दी भी है, और आसान तरीके से बन जाता है। इसमें ज़्यादा काम झाम नहीं है। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लग गया है। अब हम इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे। ये देखिए गाइस, ये कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं इसे ऐसा ही रखूँगी। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से उबल गया है और गाढ़ा हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और चला लेते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसमें फ्रूट काट कर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है। 3-4 घंटे के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें फ्रूट मिक्स कर देते हैं। ये मैंने कट करके रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पपीता, अंगूर हैं, केले हैं, आम, खरबूजा और चीकू, और ये अनार के दाने हैं। तो सभी फ्रूट्स हम थोड़े थोड़े कस्टर्ड में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने थोड़े थोड़े फ्रूट डाल दिए हैं। जितना आप डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। तो ये मैं सभी फ्रूट्स डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ। और गाइस, आपके पास जो भी फ्रूट हैं वो आप डाल सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद है वो फ्रूट आप डाल सकते हैं। और इसे बिना फ्रूट भी आप खा सकते हैं। ये कस्टर्ड बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।